हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द अर्जन 247 काउंसलिंग। मैं हूं शुभ्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूं बहुत ही शानदार, जबरदस्त और सुंदर बात होंगे। अगर आपके नंबर 200 या 250 से 300 है तो क्या आपको कोई कॉलेज मिल सकता है, या आपके नंबर 200 से 200, 225, 210, 215 है तो क्या आपको कोई कॉलेज मिल सकता है यूपी में? आइए जानते हैं। तो आपको ये सीधी सीधी बात आपको समझ में तो आई गया है कि अगर हम 200 से 300 की रेंज में बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। तो अगर आपके पास 17-18 लाख रुपए या 15 से 17 लाख रुपए साल है तो जी हाँ, आपको कॉलेज मिलने की संभावनाएं यूपी पे है। तो भाई सीधी सीधी बात है, यूपी में जो नए मेडिकल कॉलेजेस मिले हैं उनमें आपको कॉलेजेस जो आपके जो MBBS कॉलेज है वो सीट वहाँ पे आपको मिल सकती है। अगर आप माइनॉरिटी के जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी या जैन माइनॉरिटी की हैं तब तो ये मानिए कि आपको 225 तक 226 तक 225 230 210 215 तक कॉलेज आराम से मिल जाएगा। आइए ध्यान से समझते हैं। ओके, आपको मतलब ये मान लीजिए कि 12 से 15 लाख रुपये अगर आपके पास है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला कॉलेज है KMC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल महाराजगंज। इंटेक है 150। ठीक है, ये कॉलेज आपको मिल सकता है आर्मी का 250-300 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये बहुत नाम से आ गया, अजय सिंगल इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस है शामली, 150 अपटेक है। गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गोरखपुर, 50 इंटेक है इसका। श्री सिद्धिविनायक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंबल यूपी, इसका 50 इंटेक है। तो ये चार जो नए मेडिकल कॉलेज है इनमें आपको मैंने इंटेक बताया। अगर आपके पास पैसा है तो आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका नंबर 230 से 250 है तो मिल सकता है, और मतलब 250 से 300 में तो डेफिनेटली 250-260 में आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ओके। 400 जो है न्यू सीटें आई हैं कॉलेजेस में। ठीक है, और उसके बाद जो है तो GS मेडिकल कॉलेज हापुर में 100 सीटें आई हैं। सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हापुर में 100 सीटें आई हैं। ठीक है, वेंकटेश्वरा कॉलेज ऑफ तिरुपति, इनमें जो है नई सीटें आई हैं। तो यूपी में इन कॉलेजेस में जो है नई सीटें बढ़ी, तो इन कॉलेजेस में भी, ये प्राइवेट क्लियर कॉलेज है, इनमें भी आपको सीटें मिलने की संभावनाएं है बच्चों। तो आप घबराइए मत। ठीक है, आपके पास पैसा है तो यूपी में कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, लो फीस स्ट्रक्चर अगर माइनॉरिटी के है जैसे FS आगरा, ठीक है, मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है, तो इसमें माइनॉरिटी वाले बच्चे जो होंगे उनको जो है 11.39 लाख में 164 मार्क्स भी होंगे तो भी कॉलेज मिल जाएगा। लास्ट ईयर मिला था, इस साल मान लो कि 200 तक मिल जाएगा। ठीक है, नॉन माइनॉरिटी के है तो भी आपको 270 मतलब मान लो 300 तक में आपको वाला कॉलेज मिल जाएगा। फीस जो है वो नॉन माइनॉरिटी के लिए 16.5 लाख रुपए। ठीक है, TMU मुरादाबाद माइनॉरिटी के हो तो 10,192 मार्क्स पे मिल जाएगा। नॉन माइनॉरिटी वाले हो तो 5.84 लाख 270 मार्क्स में मिल जाएगा। फीस जो, इसका मतलब ये है कि जो आपकी टोटल जो आपकी फीस जो ये बता रहे हैं वो है 16,20,000। ठीक है, नॉन माइनॉरिटी के लिए अलग बताया गया है और माइनॉरिटी के लिए अलग बताया गया है। इधर लखनऊ मेडिकल कॉलेज, ये मुस्लिम माइनॉरिटी का कॉलेज है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर भी आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं। मतलब ये मानो कि अगर आप माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो और माइनॉरिटी या जैन माइनॉरिटी का कोई कॉलेज उठा रहे हो, पर अगर आपके नंबर जो है वो 200 से लेकर 300 या 250 के बीच में भी है तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। लिस्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो 225 से 250 तक है तो माइनॉरिटी कैटेगरी के हो तो भी आप कॉलेज इन कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 250 तक, तो ये बात आपको मैंने बता दिया। लो प्राइवेट कॉलेजेस में अगर आप देखें, अगर मान लीजिए आपकी रैंक लो है तो दूसरे प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन है SKS मथुरा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर मथुरा। ठीक है, इसकी जो लास्ट ईयर कट ऑफ रैंक थी वो थी 5,92,091 जो कि काफ़ी थी। नारायणा मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर कानपुर जो कट ऑफ रैंक है वो है 5,86,012। यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्रयागराज, ठीक है, वरुणम जो आपका वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज शाहजहाँपुर, ठीक है, 7 लाख रैंक तक के बच्चों को भी प्राइवेट कॉलेज मेरे यूपी में अलॉट हुआ है। तो आप यूपी को मन सोचिएगा कि हमें कॉलेज नहीं मिल सकता। 7-7.5 लाख तक जो है क्योंकि सीटें बढ़ी हैं तो आप ये मानिए कि 7-7.5 लाख तक आपको इस बार भी कॉलेज मिल सकता है बच्चों।
तो बस 7 साढ़े 7 लाख तक जो भी इस बार नंबर गए होंगे, ये रैंक्स पे बात कर रहे हैं, तो जो भी नंबर गए होंगे वो आप देख लीजिएगा। तो माइनॉरिटी की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली 7 साढ़े 7 लाख तक इस बार भी आपको एडमिशन मिल सकता है कि सीटें भी बढ़ रही हैं। तो 7.5 लाख जो भी रैंक के जो भी नंबर गए हैं, रैंक के जो भी नंबर गए हैं, उन सबको कॉलेज मिलने की संभावनाएं हैं। ये सारी लिस्ट मैंने आपको बताई, दीज आर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन द यूपी टू गेट द एडमिशन इन द लो मार्क्स एंड द हायर रैंक। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।